हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रोटीन से भरपूर दलिये की खिचड़ी की रेसिपी, जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और सबसे पहले हम दलिये को करेंगे रोस्ट। हमें दलिये को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करना है और मीडियम आंच पे हम इसको रोस्ट करेंगे। ये देखिए हमारा दलिया रोस्ट हो चुका है और इसके बाद मैंने लिया है एक बाउल और उसमें मैंने लिया है एक कप दलिया। और दलिया को हम अभी वॉश कर लेंगे, एक से दो बार हमें वॉश करना है इसको। ये देखिए, और गैस पर मैंने चढ़ा दिया था कुकर, उसके बाद हम इसमें डालेंगे तेल। आप चाहे तो रिफाइंड यूज़ भी कर सकते हैं, मैंने तो सरसों तेल यूज़ किया है। एक बड़ा चम्मच हम डालेंगे तेल और आधा चम्मच मैंने डाला है इसमें जीरा और आधा चम्मच डालेंगे हम राई। आप चाहे तो इसमें कड़ी पत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया है। ये देखिए हमारा जो जीरा और राई है वो हल्का ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें करेंगे प्याज ऐड, जो मैंने थोड़ी सी बड़े टुकड़ों में कट किया है, और दो लिया है मैंने हरी मिर्च, वो भी मैंने कट कर लिया है पहले से ही। और अभी हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए, और गैस की फ्लेम हमें हाई रखना है और इसको हम ब्राउन होने तक की पका लेंगे। ये देखिए हमारा प्याज का जो कलर है वो चेंज हो चुका है फ्रेंड्स। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, आप चाहे तो इसमें थोड़ा टमाटर ज़्यादा ही भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम इसको करेंगे मिक्स। ये देखिए इस तरह से हमें इसको चला देना है, एक से दो सेकेंड के लिए हम इसको चलाएँगे ताकि जो हमारा टमाटर है वो अच्छे से पक जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो टमाटर है वो पक चुका है। अभी हम इसमें करेंगे मसाले ऐड। आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर और आधा चम्मच डाला है लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर और वन पिंच हींग ऐड करेंगे। और एक बार हम इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कलर भी बहुत प्यारा आ चुका है जो हमारे मसाले हैं। ये देखिए, और थोड़ा सा मैंने लिया है इसमें अदरक, जो मैंने पहले से ही कूट लिया था, और एक लिया है आलू मीडियम साइज़ का, जो मैंने मीडियम साइज़ के टुकड़े कर लिए हैं, और एक कटोरी डालेंगे हम इसमें मटर। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो या फिर आपके बच्चों को पसंद हो वही सब्ज़ी डाल सकते हैं आप इसमें। और थोड़ा सा भी पानी डालेंगे और एक बार फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो हमारी सब्जियों में मिक्स हो सके। ये देखिए, और अभी हम लेंगे कुकर का ढक्कन और इसको हम ऊपर से ऐसे ही ढक देंगे, हमें कुकर का ढक्कन को नहीं लगाना है। और दो मिनट के लिए हम इसको रख लेंगे गैस पे ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो पक जाएं। ये देखिए हमारी सब्जियां पक चुकी हैं और अभी हम इसमें करेंगे दलिया ऐड, जो हमने पहले से ही वॉश करके रखा हुआ था। आप अपनी फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए, और इसको भी हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए एक से दो सेकंड के हमें लिए हमें इसको ऐसे ही चलाना है ताकि जो हमारे मसाले हैं वो दलिये में मिक्स हो सके। ये देखिए, और अब भी हम लास्ट में डालेंगे इसमें नमक। एक चम्मच मैंने नमक ऐड किया है, मैं हमेशा अपने खाने में सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, वाइट वाला नमक बिल्कुल नहीं खाती हूँ। ये देखिए, और फिर से मिक्स कर लेंगे। और अभी हम इसमें करेंगे पानी ऐड। एक कप हमारा दलिया था फ्रेंड्स, तो तीन कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। जिसका नाप से हमने दलिया नाप किया था उसी नाप से हम पानी ऐड करेंगे। ये देखिए कितना सुंदर कलर लग रहा है ना फ्रेंड्स। ये देखिए तीन कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और एक बार मिक्स कर देंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे भी इसको बहुत ही शौक से खाते हैं दलिये को। ये देखिए, और अभी हम इसको कर देंगे ढक्कन से कवर। इसमें हम फ्रेंड सीटी नहीं लगाएंगे, एक सीटी भर के रख देंगे, उसके बाद हम इसको खोलेंगे। ये देखिए
हमारा जो दलिया है वो हो चुका है, और अभी मैंने इसमें डाल दिया ढेर सारा धनिया, और धनिया को कर लेंगे हम मिक्स। तो चलिए अभी चलते हैं सर्व करने की तरफ। ये लेके मैंने बाउल लिया है, अगर आप दलिया को पतला बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद का बना सकते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा धनिया से इसको गार्निश कर दिया है, थोड़ा धनिया मैंने पहले भी इसमें ऐड किया था। ये देखिए बना है ना फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाने की, ये बहुत पौष्टिक भी होता है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। मेरे घर में तो हमेशा बनता रहता है नमकीन और मीठा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू, बाय, टेक केयर।